हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सर्दियों में बनने वाले तिल और गुड़ के लड्डू की रेसिपी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो तिल और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर रख दिया है मैंने पैन और गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब इसमें डालूंगा मैं 250 ग्राम तिल। तो तेल को मैंने डाल दिया है। अब तेल को मैं एकदम मीडियम फ्लेम पर लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगा, यानी कि इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लूँगा, ताकि हल्का सा जब हमारे तेल है वो चटकने लग जाए, यानी इसमें चट चट की आवाज़ आने लग जाए, तब तक हम इसे कुक कर लेना है। तो हमारे तेल जो है अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो आप देख रहे थे इसका कलर है वो हल्का सा चेंज हो चुका है। अब इन तेल को हम इमिडिएटली ट्रांसफ़र कर देंगे किसी प्लेट में, और इन तिल को हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो अब उसी पैन को मैंने फिर से गैस पर रख दिया और गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब इसमें डाला मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी। तो घी को हम अच्छे तरह मेल्ट कर लेंगे। तो घी जो है हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर डालूंगा मैं 250 ग्राम गुड़। तो यहाँ पर मैंने पीला वाला गुड़ लिया है, आप चाहें तो लाल वाला गुड़ भी ले सकते हैं, तो कई तरह के गुड़ आते हैं। तो गुड़ को मैंने यहाँ पे छोटा छोटा चॉप कर लिया, यानी बारीक बारीक काट लिया है। तो इसको गुड़ को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो धीरे धीरे हमें इसे चलाते रहना है। गैस के फ्लेम को हमें हाई नहीं रखना है, एकदम मीडियम ही रखना है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हमारा गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो बस हमें इसमें कुछ बबल्स आने तक इसे और मेल्ट कर लेना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस गुड़ में है, यानी कैरामलाइज जो गुड़ है, इसमें बबल्स आना शुरू हो चुका है। तो अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं तिल, यानी जिन्हें हमें रोस्ट किया था। तो इन तिल को डालने के बाद इन सभी को मैं इन दोनों को, तिल और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लूंगा। तो दोस्तों, इन दोनों को अगर मिक्स करने के बाद आपको लगे कि ये थोड़ा पतला है, तो आप इसे इसी तरह छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। तो ये अपने आप ही गुड़ ठंडा होगा तो वो अपने आप ही गाढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे हमने सभी को मिक्स कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे मैंने एक कटोरे में ले लिया थोड़ा सा पानी। तो इन पानी को हम अपने हाथों पर अच्छे से लगा लेंगे, यानी हमें हाथों को हमने हल्का सा गीला कर लेना है, ताकि जब हम गुड़ के लड्डू बनाएं तो हाथों में ना चिपकें। तो अब हम लेंगे थोड़ा थोड़ा सा गुड़ का डो, यानी गुड़ और तिल का डो, उससे हमें इस तरह गोल गोल लड्डू बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं गोल गोल। तो बस इसी तरह हमें लड्डू बना लेने हैं। तो आप छोटे या बड़े कैसे भी लड्डू बना सकते हैं। तो अगर आपको लड्डू थोड़े जल्दी बनाने हैं तो आप दोनों हाथों में डो लीजिए और इसको इस तरह गोल गोल करके आप लड्डू बना दीजिए दोनों मुट्ठियों की सहायता से। तो आप देख सकते हैं दो लड्डू एक बार में बनकर तैयार हो चुके हैं। तो सारे लड्डू हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, इनको मैं प्लेट में रख दूंगा। तो मैं आपको एक लड्डू पास से दिखाता हूँ कि मेरा लड्डू कितना सुंदर बना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।